जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन है 15 दिसंबर 2022 का, लेकिन ये अभी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो एग्जाम से रिलेटेड है। एनटीए कुछ बड़ी बड़ी परीक्षाएँ हैं, उनकी डेट के बारे में इस नोटिफिकेशन में उसने बात की है। और कुछ बड़ी बड़ी परीक्षाएँ हैं जिनकी डेट यहाँ पर अनाउंस की है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो यूजीसी नेट वाले जो मेरे प्यारे साथी हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल फुल डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहाँ पर मैं अजय शर्मा, मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेरफ है, और मैं यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के हिंदी मीडियम में बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में तैयारी करवाता हूँ। हमारा एक बैच जस्ट 8 दिन पहले शुरू हुआ है, फर्स्ट पेपर का भी और ज्योग्राफी का भी। ये हमारा पुराना वाला बैच था जिसका अभी फ़िलहाल में रिजल्ट आया। इसमें टोटल हमारे पास 621 कैंडिडेट थे बैच में। 2 बैच थे, एक 332 का था, एक 208-9 का था, जिसमें अंकिता, ये टोटल 6 हमारे ऐसे ही स्टूडेंट थे जिनके 40+ क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट पेपर में, जिसमें मैं प्यारे साथियों बताऊं, अंकिता के 42 क्वेश्चन, निर्मा के 42, रवि सियाग के 41 क्वेश्चन, पूनम के 41, रामचरण के 40 और कोमल के 40। ये टोटल 6 से प्यारे साथी थे जिनके 40+ क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट पेपर में। इसके अलावा 78 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 78 मार्क्स थे, 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 76 मार्क्स थे, 20 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 74 मार्क्स थे, 32 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 72 मार्क्स थे, और 48 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 70 मार्क्स थे। और मेरा केवल एक सपना है मेरे प्यारे साथियों, मेरे बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पेपर की वजह से ना तो नेट क्वालिफाई हो पा रहा और ना ही जेआरएफ क्वालिफाई हो पा रहा। उनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर जाता है, सब्जेक्ट में बहुत टॉप के मार्क्स आते हैं उनके, लेकिन फर्स्ट पेपर उनके सारा काम बिगाड़ देता है। फर्स्ट पेपर इतना कमज़ोर है कि उसकी वजह से उनका जो सब्जेक्ट में उनका जो इतना तगड़ा कमांड है ना, उसका भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा उनको। सब्जेक्ट में 70%+ का स्कोर करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर कमज़ोर होने की वजह से उनका नेट भी नहीं हो पाता और उनका जेआरएफ भी नहीं हो पाता। मेरा केवल एक ही सपना है कि हिंदी मीडियम का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसके फर्स्ट पेपर की वजह से उसका नेट रुके या फर्स्ट पेपर की वजह से उसका जेआरएफ रुके, ऐसा कभी ना हो। मेरा केवल ये सपना है कि फर्स्ट पेपर में किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, सबका यह रहे कि भाई फर्स्ट पेपर तो हमारा बहुत मजबूत हो चुका, अब हमें अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी मजबूत करना है। अगली बार ये शब्द निकले कि यार फर्स्ट पेपर में मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो गया लेकिन सब्जेक्ट में नहीं हो पाया, मेरा केवल ये सपना है। तो यदि आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, आप फर्स्ट पेपर में 80%+ का स्कोर करना चाहते हो, भाई स्कोर लेके आओ ऐसा। एग्जाम बहुत सारे लोग पास करेंगे लेकिन एक इतना गजब का स्कोर लेके आओ कि दूसरों को दिखाओ ना, सामने वाला विश्वास नहीं करेगा भाई तुम इंसान हो, वो सोचे भाई तुम मशीन तो नहीं है। एग्जाम सेंटर पर तू कोई चिट करने के लिए तो नहीं लेके गए थे, कंप्यूटर को नहीं हैक कर लिया था तूने, इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिया फर्स्ट पेपर में, 45+ क्वेश्चन ठीक हो रहे 50 में। मेरा सपना है ये, और ये जो 40-45+ क्वेश्चन ठीक करने का जो मेरा टारगेट है, इसको प्राप्त करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, सारा सब कुछ। बैच लेने के बाद में एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PDF, संडे टू संडे टेस्ट, करंट अफेयर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, सारा का सारा वो कंटेंट दूंगा जिससे आप फर्स्ट पेपर में 45+ क्वेश्चन ठीक कर सकें। नया बैच अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ है जिसका चार्ज है 1500 रुपये। फर्स्ट पेपर का नया बैच अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ है जिसका चार्ज है 1500 रुपये। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आपको बैच मिल पाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में अब की बार पेपर बहुत डीपली आया था, पेपर बहुत कॉन्सेप्ट बेस पर आया। सर पेपर हमारे सिर के ऊपर से गया, पेपर में कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या करें, बहुत पढ़ा था लेकिन कुछ पार नहीं पड़ी। भाई
कॉन्सेप्ट बेस पर नहीं पढ़ा आपने, डीपली तरीके से नहीं पढ़ा आपने, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा आपने, तब नहीं हो पाया। यहां पर देखो 371 में से 21 कैंडिडेटों का जेरफ क्वालिफाई है। हाईएस्ट स्कोर देखो फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी में 200 में से स्नेहा के 154, विनोद के 152, प्राची के 150, मधुकर के 150 और मोनाली के 150। और ये मेरा टारगेट नहीं था, मेरा टारगेट अब की बार नहीं मिल पाया मेरे को, ये मेरे को दुख है, क्योंकि मेरा टारगेट था 160 प्लस का, कि कम से कम 10 ऐसे मेरे प्यारे साथी हो जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 प्लस का स्कोर हो, 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। लेकिन पहले पेपर थोड़ा अलग टाइप का था, अब की बार थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस पर आ गया, और हम उस तरीके से पढ़ा ही नहीं थे, हम भ्रम में रह गए। लेकिन अब की बार पेपर किसी भी तरीके का बने, चाहे फैक्ट बेस का बने, चाहे कॉन्सेप्ट बेस का बने, चाहे डीपली बने, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर से बने, कहीं से भी बने, 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं हर हाल में, और वो भी कम से कम 10 कैंडिडेटों को, कम से कम 21-22 ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 75 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। और ज्योग्राफी में 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कॉन्टेंट होगा ना, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब की बार हम डीपली तरीके से, फैक्चुअल तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से, हर एक तरीके से पढ़ेंगे, फिर देखते हैं पेपर किस तरीके से बनता है। जैसे भी पेपर बनेगा, कैसे भी बने पेपर, पेपर को जबरदस्त तरीके से फोड़ेंगे और ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करेंगे। तो यदि आप चाहते हो ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जैसे अब की बार हो गया ना कई लोगों की गड़बड़, अब बेचारे बहाने बना रहे हैं, यार पेपर डीपली आ गया, कॉन्सेप्ट बेस पर आ गया, लैंग्वेज डिफिकल्ट आ गई, वो केवल बहाने हैं, लोग नहीं सुनेंगे आपके भावनों पर, विश्वास नहीं करेंगे, आप खुद विश्वास नहीं करोगे अपने इन भावनों पर कि पेपर डीपली आ गया था। एक बार खुद सोच के देखो कि यार मेरा पेपर जेरअप क्यों नहीं हुआ, पेपर डीपली आ गया था इस वजह से नहीं हुआ, पेपर कॉन्सेप्ट बेस पर आ गया था इस वजह से नहीं हुआ, लैंग्वेज क्वेश्चन की डिफिकल्टी इस वजह से नहीं हुआ। आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे अपने फेल होने के कारण से, दुनिया कहाँ से हो पाएगी, आप अपने फेल होने का जो कारण है ना, उससे आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, अपने मम्मी पापा को कैसे सेटिस्फाई करोगे। एक बार चलता है, दूसरी बार कोई विश्वास नहीं करेगा, मम्मी पापा भी नहीं करेंगे, खुद भी विश्वास नहीं करोगे। तो दोबारा मौका नहीं देना है किसी भी हाल में, इस बार में हर हाल में जेरअप क्वालिफाई करना है, और वो भी ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन के साथ और फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन के साथ ओवरऑल टॉपरों में काउंट होना है। पापा भी प्राउड फील करे कि वाह यार बेटा, बेटा हो तो ऐसा हो। ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, फीस है 2000 रुपये, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं खरीदना, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, एक भी चीज बाहर से नहीं खरीदनी, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता दूँ, ज्योग्राफी की फीस यदि आप दो दिन के अंदर बैच लेते हो तो 1800 रुपये, और फर्स्ट पेपर की दो दिन के अंदर बैच लेते हो तो 1300 रुपये फीस है, ठीक है, उसके बाद वही 1500-2000 हो जाएगी। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बैच लेंगे। अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन नोटिफिकेशन की ओर। NTA ने कुछ एग्जाम है जिनकी डेट डिसाइड कर दी, जैसे ये कुछ एग्जाम है, लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इज द कैलेंडर फॉर सम मेजर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाई द NTA। NTA कुछ बड़े एग्जाम है जो कंडक्ट करवाता है, और NTA ने इनका शेड्यूल जारी कर दिया, जैसे जेई मेंस का सेशन फर्स्ट, जेई मेंस सेशन सेकंड, ICAR, AIEEE, नीट, UG और CUET, ये 5 एग्जाम है जिसका NTA ने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया, और यहाँ पर इसने लिख दिया कि भाई ये है डेट ऑफ एग्जामिनेशन और ये है रिजर्व डेट। जी मेंस का एग्जाम 24 से लेकर 31 जनवरी तक होगा, रिजर्व डेट है 1, 2, 3 फरवरी। जी मेंस सेशन 2 का एग्जाम होगा 6 से 12 अप्रैल तक, रिजर्व डेट है 13 और 15 अप्रैल, ठीक है। ICAR, IEEE का एग्जाम होगा 26, 27, 28, 29 अप्रैल को, नीट UG का एग्जाम होगा 7 मई को, और CUET का एग्जाम होगा 21 से 23 मई को, रिजर्व डेट है 1 से 7 जून। तो NTA ने इन 5 एग्जामों की डेट जारी कर दी, अब इंतजार नहीं है, अब कुछ ही समय में NTA UGC NET का भी नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, बस
थोड़ा ही समय लेगा, कुछ ही समय बाद में आपको यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन जारी और पेपर तब होगा। तो अब ढील मत करो, अब पूरी ताकत के साथ जबरदस्त तरीके से लग जाओ कि इस बार में मेरे को 100% जेरप क्वालिफाई करना है और अगली बार मेरे को इस टीचर का चेहरा कभी नहीं देखना है। किसके लिए? नेट जेरप के एग्जाम से रिलेटेड मेरे को इसी बार में जेरप क्वालिफाई करना है और तुरंत फिर PhD में एडमिशन लेकर और फेलोशिप उठानी है। इस टीचर के झंझट में दोबारा नहीं फंसना है, दोबारा चेहरा नहीं देखना है। दोबारा चेहरा देखूंगा तो केवल इसीलिए देखूंगा कि PhD का नोटिफिकेशन कहां से निकल रहा है, फेलोशिप किस तरीके से मिलती है, फेलोशिप कितनी मिलती है, या फिर मिलूंगा फेस टू फेस जब इंटरव्यू होगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आपने जेरप कैसे क्वालिफाई किया, आपकी जेरप क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी क्या थी, आपने इतना गजब का स्कोर कैसे किया, आपने कौन कौन सी बुकें पढ़ी, ये क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे और आप इनका पूरे प्राउड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे रुतबे के साथ इनका आंसर दो, तब देखेंगे इस चेहरे की। ठीक है, तो मेरा केवल ये सपना है प्यारे साथियों कि इसी बार में जेरफ क्वालिफाई करना है। नोटिफिकेशन का मत करो इंतजार, एग्जाम कब होगा मत सोचो, नोटिफिकेशन कब आएगा मत सोचो, ये सोचो कि मेरे को पढ़ना है। आप सोच रहे हो जितने लोगों का जेरफ होगा ना, इतने लोग तो बुकों को लगे हुए हैं रटने में। यहां पर 2 बैच स्टार्ट हो चुके, तीसरा बैच अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।